नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू। पीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 का दोस्तों रिजल्ट आ चुका है। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या वेटिंग लिस्ट दोबारा लगाई जाएगी, या फिर दोस्तों जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है कितने नंबर तक सिलेक्शन होगा और वेटिंग लिस्ट वालों की ज्वाइनिंग कब से की जाएगी। दोस्तों हर टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल नए विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुँचता रहे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहां पर अब दोस्तों कोई भी दोबारा से वेटिंग लिस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर 25% वेटिंग लिस्ट लग चुकी है और 25% वेटिंग लिस्ट दोस्तों बहुत कुछ होती है। दोस्तों 25% वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा है और 25% वेटिंग लिस्ट में ऐसे अभ्यर्थी हैं दोस्तों जिनका अभी सिलेक्शन होने के भी कम चांस है। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों 25% जो वेटिंग लिस्ट लगी है इनमें कितने परसेंट लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो 25% वेटिंग दोस्तों यहां पर मैक्सिमम 17 से 18% लोगों का सिलेक्शन दोस्तों फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि चयन बोर्ड ने एक महीने के अंदर, ठीक है, एक महीने के अंदर सभी को बोला है कि अपने कॉलेज का आवंटन करा लें, अन्यथा दोस्तों उनका कॉलेज आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और उनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट वालों को मौका दे दिया जाएगा। तो जिन लोगों को क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर वेटिंग लिस्ट वालों की ज्वाइनिंग कब होगी, तो दोस्तों एक महीने का यहाँ पर टाइम दिया गया है फ्रेश अभ्यर्थियों को, वो अपने कॉलेज में जाकर कॉलेज आवंटन कर लें, अगर अन्यथा नहीं करते हैं तो सीटें आप लोगों को दे दी जाएंगी। तो दोस्तों मैक्सिमम मान के चलिए आप लोगों को 2 महीने का टाइम लगेगा वेटिंग लिस्ट वालों को, ठीक है, 1.5 से 2 महीने का टाइम अब आराम से लग जाएगा, क्योंकि आवंटन के बाद दोस्तों वहां पर हर जिले के DIO से दोस्तों डेटा मांगा जाएगा कि आपके जिले में कितने क्या कहते हैं सीटें खाली हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर आप लोगों की ज्वाइनिंग की जाएगी। बहरहाल दोस्तों आप लोग 2 महीने तक वेट करिए, 2 महीने के अंदर दोस्तों आप लोगों की भी ज्वाइनिंग जिन जहाँ पर सीटें खाली होंगी वहाँ पर हो जाएगी। और दोस्तों दोबारा वेटिंग लिस्ट लगने की कोई भी चांस नहीं है, आप लोग नई भर्ती का दोस्तों तैयारी करते रहिए, नई भर्ती का विज्ञापन आपको 1 दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।